इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालेंगे सोक किया हुआ मिक्स दाल, ज़रूरत के हिसाब से पानी, हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, तो मीडियम साइज़ का आलू। गैस को ऑन करेंगे और इसे कुक होने के लिए चढ़ा देंगे। 4 से 5 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। दूसरे साइड के गैस को ऑन करने के बाद इसके ऊपर चढ़ा देंगे चावल। चावल को मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है, तो चलिए हम इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। दाल चावल जब तक कुक हो रहा है तब तक हम छोटे साइज़ के 1/2 किलो आलू को पतले पतले टुकड़ों में स्लाइस करके रेडी कर लेते हैं। आलू को कट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया है, तो चलिए अब हम प्याज को भी बारीक बारीक स्लाइस कर लेते हैं। चावल को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। 4 से 5 सीटी आने के बाद दाल को हम उतार देंगे। चावल को उतार के दूसरे साइड चढ़ा देंगे। बड़े साइड पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज। आधे मिनट भुनने के बाद डालेंगे कटा हुआ आलू। मिक्स करने के बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से उबला हुआ पानी डाल देंगे। बीच बीच में सब्जी को भी चलाते रहना ताकि ये अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। चावल के अच्छी तरीके से कुक होने के बाद हम इसके पानी को हटा देंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कलछी में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद डालेंगे जीरा, अजवाइन, कूटा हुआ लहसुन, जब ये सभी चीज़ें हल्का सा भुन जाए तब डालेंगे सूखा हुआ लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। अब हम इस तड़के को डालेंगे दाल के अंदर और इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुजिया भी बहुत अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो गया हुआ है, तो चलिए हम इसे नीचे उतार देते हैं। दोबारा से हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल। तेल के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। हल्का सा भुनने के बाद डालेंगे उबला हुआ आलू, स्वाद के हिसाब से नमक। 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।